Good morning, children. Today we will be doing unit number 15, kind of sentences from your grammar book. Children, this we have already done in our last class also, that is your fourth class. Today we will be doing a revision and then we will see some exercises related to the explanation. So let's start. Children, I've already told you, like I gave you a chart kind of a thing, in where there were four kind of sentences. Okay, what are the four kind of sentences? A statement. First is the statement, which is also called the declarative or affirmative. Sorry, declarative or assertive statement. Second is a question. Third is a command, request, or advice or suggestion, which is called imperative sentences. Fourth one is a strong feeling, that is called the exclamatory sentences. Correct? Read here. The first sentence simply states something. First one, I bought a pretty dress. So it is an assertive sentence or a statement. Okay? इस सेंटेंस में हमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसीलिए ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है या फिर असर्टिव सेंटेंस है. ओके, सेकंड वन, व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ दिस ड्रेस. इट्स अ क्वेश्चन कि इस ड्रेस का क्या कॉस्ट है. सो ये क्या है, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड देखो यहाँ पे, लुक एट दिस ड्रेस. इट्स अ कमांड that you please look at this dress. तो ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, फोर्थ वन होगा हमारा, हाउ एक्सपेंसिव द ड्रेस इज. इट्स अ इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग. सो इट विल बी आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके चिल्ड्रन, नाउ आई विल अगेन मेक दैट चार्ट एंड शो यू कि कौन से चार सेंटेंसेस होते हैं, उनके क्या रूल्स होते हैं. एंड यू विल डू द सेम इन योर नोटबुक्स एंड देन यू विल सेंड इट टू मी एज होमवर्क. सी यू. Okay, there are four kind of sentences. First, statement. Okay, statements क्या होते हैं children, जहाँ पे हमें सिर्फ कोई information मिल रही होती है. There is only a information is given. Okay, या फिर हम किसी चीज़ को assert कर रहे होते हैं. Assert करने का क्या मतलब होता है, उस पर हम जोर डाल रहे होते हैं. ठीक है, ओके. चिल्ड्रन, दीज स्टेटमेंट्स एंड इन अ फुल स्टॉप. Okay, they end in a full stop. Second one, second type का statement होता है children, imperative statement.
चिल्ड्रन एक इम्पेरेटिव स्टेटमेंट जो होता है उसमें आप एक कमांड देते हो, रिक्वेस्ट होता है या फिर सजेशन होता है। ऑल्सो ये एक फुल स्टॉप में एंड होता है या फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क में भी एंड हो सकता है। बट इसका खासियत क्या होता है कि इसमें आप एक कमांड दोगे या फिर आप एक रिक्वेस्ट करोगे या उसमें सजेशन होगा। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, थर्ड वन इंटरोगेट। चलो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आप इंटरोगेट करते हो। इंटरोगेट मतलब क्वेश्चन पूछना। तो ये एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मार्क में ही एंड होगा। ऑलराइट, दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू सी। इफ इट इज अ क्वेश्चन, इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। या फिर अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको एक क्वेश्चन बनाना है। फोर्थ वन, दैट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन में एंड होता है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होगा और जो यहाँ पे यूज़ होगा उसमें ये डिफरेंस है कि इम्पेरेटिव में चिल्ड्रन कमांड, रिक्वेस्ट या सजेशन होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिर्फ फीलिंग्स होंगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस, दीज आर द फोर काइंड ऑफ सेंटेंसेस दैट यू हैव टू लर्न। ओके, सो प्लीज़ कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये इंटरनेट पे भी आपको टेबल्स मिल जाएंगी ऐसी। आई विल ऑल्सो सेंड यू, सो प्लीज़ रिमेंबर दीज फोर काइंड ऑफ सेंटेंसेस। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। ओके, सी हियर, लुक एट द बॉटम ऑफ द पेज। असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट्स। ओके, रीड दीज। फर्स्ट वन, grammar skills are important to be an effective speaker. Okay, so this is telling you something, this is asserting something, it is asserting that grammar skills zaruri hoti hai ek acha speaker hone ke liye. Okay, to ye assert kar rahi hai, ye focus kar rahi hai is cheez pe. Second, practice makes a man perfect. Ye ek statement hai ki practice se man perfect ho jata hai. Okay, so that's a assertive sentence or a declarative sentence or a statement. Okay, similarly children, yahan pe khub sare aapko examples diye hue hain of all the kind of sentences. You can go through them and then you can get to know what are the different kind of things that are there in each kind of sentence. But there is one thing I would like to tell you here which is very important, is that जो imperative sentence होते हैं children, हमने subject predicate भी पढ़ा है पहले, right? Imperative sentence में there is no subject given, the subject is assumed to be you, it is assumed to be you. ये माना जाता है कि जो भी कमांड है, रिक्वेस्ट है, वो यू से ही करी जा रही है. यू डोंट बी लेजी, यू टेक एक्सरसाइज डेली, यू लुक एट द रेनबो. ओके, इट इज़ नॉट सेट बट इट इज़ अज्यूम्ड लाइक दैट. ऑलराइट, इट इज़ नॉट रिटन, इट इज़ ओनली अज्यूम्ड. सो दैट्स वन इम्पॉर्टेंट रूल. चिल्ड्रन, फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको काइंड ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है. फॉर एग्जाम्पल थर्ड वन, हाउ आर यू, इट हैज़ अ क्वेश्चन मार्क. सो आप यहाँ पर लिखेंगे इम्पेरेटिव, सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस. ऑलराइट, सेकेंड वन, आस्था गेव मी अ वॉच ऑन माई बर्थडे. ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आस्था ने मुझे मेरे बर्थडे पे वॉच दी थी. सो ये हो जाएगा आपका
स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेटिव। यहाँ पे आप डिक्लेयर कर रहे हो ना कि आस्था ने मुझे वॉच दी थी, डिक्लेयर कर रहे हो मतलब बता रहे हो, राइट? तो दैट विल बी अ स्टेटमेंट। लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। चिल्ड्रन, देयर 15 क्वेश्चंस हियर इन 15 पार्ट्स हियर। इन द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल डू ऑल ऑफ देम एज होमवर्क। सेकंड, मेक 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड्स। ओके, चलो यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, इसमें आपको चारों टाइप का सेंटेंस बनाना है, ठीक है? यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखो ऑनेस्ट से इन्होंने असर्टिव भी बनाया है, इंटरोगेटिव भी बनाया है, इम्पेरेटिव भी है और एक्सक्लेमेटरी भी है। वैसे ही आपको ये चारों वर्ड यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं यहाँ। सो दैट्स योर होमवर्क। एंड लास्ट क्वेश्चन, मैच द सिचुएशन विद द एक्सक्लेमेशन। यहाँ पे आपको सिचुएशन के हिसाब से एक्सक्लेमेशन करना है। यू हैव टू सी कि कौन सा वर्ड आपको किस टाइप की फीलिंग दे रहा है, एंड देन यू हैव टू मैच देम विद द गिवन ऑप्शंस हियर। ऑलराइट, सो दिस इज़ योर होमवर्क। इफ एनी डाउट्स यू कैन प्लीज आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। एंड दैट्स इट फॉर द डे चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच।